चलिए बनाते हैं चॉकलेट आइसक्रीम। तो उसके लिए मैंने कप में लगाया डेयरी मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके और इसे ना 5 मिनट्स रखा सेट होने के लिए। और इसके बाद मिल्की बार चॉकलेट को मेल्ट किया और उसको भी इसमें अच्छे से फिल करके आइसक्रीम स्टिक लगाकर इसे ना 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका था। बाय द वे कमेंट में बताओ आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है। और ये वाला आइसक्रीम ना टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया था, तो आप भी ट्राई करो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बाय।